गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस चैप्टर में मैं आप सबको द नाउन नंबर के बारे में बताऊंगा कि नाउन नंबर्स कैसे होते हैं। नाउन नंबर्स में होता है, नाउन नंबर्स का अर्थ है कि जो संज्ञाएं होती हैं, मैंने बताया इससे पहले कि जो आपका नाउन होता है, संज्ञा होता है, उसका जो नंबर होगा इसमें वो एकवचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन होगा। मैं बता दूं कि काइंड ऑफ नंबर मतलब जो नंबर का प्रकार है वो दो प्रकार से है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में जो है आपका सिर्फ एक ही नाउन होगा यानी कि ओनली वन। यहाँ मैंने बताया सिंगुलर नंबर में ओनली वन नाउन होगा, जैसे बुक। बुक मतलब एक किताब, ओनली वन, एक वचन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसमें सिर्फ एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या कोई भी नाउन जो भी होगा वो सिंगल होगा, इसीलिए इसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं। तो सिंगल जब वस्तु होती है तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और प्लूरल नाउन क्या होता है, मोर देन वन यानी कि एक से अधिक होगा तो उसको हम प्लूरल नाउन कहेंगे। तो उसको प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, सामान्यतया हम यस बढ़ा देते हैं। जैसे बुक लिखा है तो बुक में एस जब बढ़ा दिए हैं तो इसका ये प्लूरल बन गया। बुक मीन्स होता है एक किताब और बुक्स मीन्स होता है बहुत सारी किताब। इसके बारे में मैं बहुत गहराई से और बहुत ढेर सारे रूल्स बताऊंगा जो कि इंटरमीडिएट के बुक्स से लिया गया है। चलिए देखते हैं। जैसे गर्ल्स मीन्स एक लड़की, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, गर्ल्स, यहाँ गर्ल होगा। तो गर्ल मीन्स एक लड़की होता है, लेकिन गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियां, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार, पांच, छह या कई लड़कियां हो सकती हैं। जैसे चेयर मीन्स कुर्सी यानी कि ओनली वन चेयर, और चेयर्स मीन्स होता है मोर देन वन चेयर मतलब एक से अधिक कुर्सी। बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के। इस तरह का नाउन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताया होगा, जानते होंगे आप लोग। चलिए इसके बारे में ढंग से जानकारी लेते हैं कैसे होगा, लेकिन लोअर क्लासेस बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है कि गर्ल मीन्स एक लड़की होता है, तो गर्ल्स मीन्स कई सारी लड़कियां होती है। सिर्फ यस, यहाँ देखिए यस सिर्फ मैंने पढ़ा दिया है तो जो है ये कई सारी लड़कियां हो गई है, प्लूरल हो गया है, ठीक है, ये चीज जानिए। सिंगुलर हो मतलब एक होता है, प्लूरल मीन्स कई होती है मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन होता है। चलिए जानते हैं कि किन नाउन में, रूल सेकंड में है कि एड ई एस, आपको ई एस जोड़ना है मतलब एड ई एस इफ अ नाउन एंड्स विथ सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड और एस। यदि कोई भी नाउन यदि इन अक्षरों से खत्म होता है, यदि किसी के नाउन के अंत में ये अक्षर आते हैं तो उनमें यस नहीं लगाएंगे, ये रूल है। अगर ये आता है तो उसमें यस नहीं लगाएंगे, आपको ई एस लगाना है। लिखा है एड ई एस मतलब ई एस लगाओ इफ अ नाउन एंड्स विथ सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड और एस। चलिए जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है कि ब्रश, ब्रश में लास्ट में एस एच है तो यहाँ क्या हो गया, एस एच के बाद ई एस जुड़ा। यहाँ बात, बैच लिखा है तो बैच में सी एच है, यहाँ क्या हो गया, सी एच के बाद ई एस लगा है। तो इसी तरह बैच, बॉक्स, क्लास, क्विज, मैच, टोपाज, किस, टैक्स और डिस। हाँ, कुछ खास बात जैसे कि मैंने बताया ये क्विज में जेड है तो जेड के बाद यहाँ देखो ई एस लगा है, ठीक है, यहाँ जेड है तो जेड के बाद ई एस लगा है, यहाँ सी एच है तो मैच होगा, ई एस लग जाएगा। एक्स अगर आता है लास्ट में तो भी एक्स के बाद ई एस लगा है, इस तरह से होता है। और सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल इतना ही जानो। और इसका जो है रूल्स आप अपने कापी में लिखते रहना या फिर मोबाइल में स्क्रीन शॉट करके बाद में लिख लेना,
लेकिन इसको याद जरूर करना क्योंकि आपके क्लास में आएगा जरूर। यह क्लास 6 to 12 तक है, 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसी कुछ खास बातें मैंने बताई हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो है। चलिए देखते हैं। बट थर्ड नंबर में दिया गया है, बट एड ओनली एस विथ द नाउन व्हिच एंड्स विथ सी एच एंड द प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, लिखा है कि बट एड ओनली एस, यहाँ सी एच है, कह रहा है कि अगर सी एच आए तो आप सिर्फ यस लगाएं। ऐसा कब होता है, देखिए यहाँ पर जब सी एच लास्ट में आता था तो हम ई एस लगाते हैं, लेकिन ये कौन सा एक्सेप्शन है कि लास्ट में सी एच आता है और हम सिर्फ यहाँ पर एस लगाते हैं। रूल कहता है कि एड ओनली एस, सिर्फ एस लगाओ अगर सी एच आता है तो। लेकिन क्या है इसका मतलब, एक्सेप्शन क्या है, लिखा है कि एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन एंड्स विथ का नॉट चा। इसका अर्थ ये है कि ये स्टमक लिखा है, स्टमक में लास्ट में का आता है, स्टमक, ठीक है, का आता है। अगर किसी नाउन के अंत में सी एच है और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का आता है तो उसके लास्ट में हमको प्लूरल बनाते समय सिर्फ यस जोड़ना है, ईएस नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए कि मैच, मैच में चा आता है लास्ट में तो ईएस है, ठीक है। मैच को जब हम बोलेंगे तो सी एच का जो मतलब उच्चारण होगा वो चा होगा, इसलिए यहाँ ईएस लगा है। लेकिन स्टमक में का आता है प्रोनाउंसिएशन लास्ट में, इसलिए यहाँ यस लगा है। मोनार्क, मोनार्क में भी का आता है, इसलिए यहाँ सिर्फ यस लगा है। आगे देखते हैं रोल नंबर 4 है, एड ई एस विथ द नाउन विच एंड्स विथ ओ, मतलब उन नाउन के अंत में ईएस लगाओ जो वो से खत्म होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने बाद में बताया है क्योंकि इससे पहले भी ईएस लगाने का रूल्स मैंने यहाँ बता दिया है कि ईएस लगाओ, लेकिन इसमें वो नहीं लगाया गया है। तो कहता है कि एड ईएस, ईएस लगाओ कब, जब लास्ट में वो हो, लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है कि लास्ट में लेटर जो है आपका कॉन्सोनेंट हो, मतलब जो नाउन होगा, जैसे ये मास्किटो लिखा है तो मास्किटो में ओ आया है तो वो के जस्ट बगल में कॉन्सोनेंट हो, ऐसे कंडीशन में ई एस लगाते हैं, ठीक है। मतलब हमको ई एस का प्रयोग करना है जब ओ के जस्ट बगल में कॉन्सोनेंट दिया हो, जैसे मास्किटो का मास्किटोस, पोटैटो का पोटैटोस, मैंगो का मैंगोस, बिफोलो का बिफोलोज, ठीक है। बट एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन में क्या है कि ये चार जो है आपका एक्सेप्शन में है, आपको ये चारों रटना पड़ेगा। ये इसमें भी वही चीज है कि लास्ट में वो आया है एक्सेप्शन, बट एड ओनली एस विद द नाउन व्हिच एंड विद ओ एंड बिफोर दिस ओ कॉन्सोनेंट इज गिवन, मतलब कॉन्सोनेंट भले दिया हो, यहाँ देखिए टी कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है, और लास्ट में वो है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एस लगा है, तो ये आपका एक्सेप्शन है कि फोटो का फोटोस होता है, यहाँ ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। किलो का किलोस, पियानो का पियानोस, कमांडो का कमांडोज होता है, ये चारों एक्सेप्शन में है, इसको आपको रटना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, एड एस विथ द नाउन विच एंड्स विथ ओ एंड बिफोर द दिस ओ ओवेल इज गिवन, मतलब अगर लास्ट में वो आता है, तो मैंने बताया कि अगर लास्ट में वो आता है तो आपको ई एस लगाना है। यहाँ देखो ओ आया, ओ आया तो ई एस लगाया गया, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ ओ आया लेकिन ई एस नहीं लगा, सिर्फ ई एस लगा, क्योंकि एक्सेप्शन में मैंने बता दिया है कि यहाँ ई एस नहीं लगेगा। अब आगे फिर वही आया कि लास्ट में वो आया है, किसी नाउन के अंत में फिर वो आया है, लेकिन कहा गया है कि जस्ट उसके पीछे, ठीक है, आपका उससे पहले दिया गया हो कोई ओवेल, यानी कि ए आई ओ यू ई, ये अक्षर अगर वो से पहले हैं, देखो वो से पहले वो है, वो से पहले आई है, वो से पहले ई है, ठीक है, तो अगर वो से पहले कोई ओवेल आता है तो भी आपको यस ही लगाना है, ये रूल है, ठीक है। कोई भी नाउन दिया गया, जैसे कुक्कू का कुक्कूज, रेशियो रेडियो का रेडियोज, उसके बाद वीडियो का वीडियोज, रेशियो का रेशियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज,
बम्बू का बम्बूज। ठीक है, इस तरह से आप इन रूल्स को याद रखिएगा कि अगर वो से पहले कोई ओवेल आता है तो एस लगाते हैं, और ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ई एस लगाते हैं, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आपका है सेवंथ रूल नंबर सेवंथ, एड आई ई एस विथ द नाउन व्हिच एंड्स विथ वाई एंड बिफोर दिस वाई कॉन्सोनेंट इज गिवेन। मतलब इसका ये है कि आपको वाई की जगह पर आई ए एस लगाना है, ठीक है, और इससे जो आपका वाई है, वाई से पहले कहा गया कि वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट, जैसे वाई से पहले कॉन्सोनेंट बी दिया गया है, वाई से पहले एम कॉन्सोनेंट दिया गया है। कॉन्सोनेंट और ओवेल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पांच अक्षर आपका ओवेल है, और इन पांच अक्षरों को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर होते हैं, 21 लेटर उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको आई ई एस लगाना है। ठीक है, एड आई एस विथ नाउन विच एंड्स विथ वाई एंड बिफोर दिस वाई कॉन्सोनेंट इज गिवेन। तो वाई से पहले आपको, मतलब अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया है तो वाई को हटा करके आपको आई एस लगाना, जैसे बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज, सिटी का सिटीज, लिली का लिलीज। एंड रूल नंबर एट है, एड ओनली एस विथ द नाउन विच एंड्स विथ वाई एंड बिफोर दिस वाई ओवेल ए ई आई ओ यू इज गिवेन। ठीक है, बट ये बात याद रखना कि आपको जब y से पहले y को हटा करके आपको क्या लगाना था इसमें, कि आई ई एस लगाओ, लेकिन y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, अब यहाँ y से पहले ओवेल दिया गया है, ओवेल ये आई वो यू, यानी कि y से पहले यहाँ ओवेल है, y से पहले यहाँ ओवेल है, y से पहले यहाँ ओवेल है, अगर y से पहले ओवेल है तो उसमें सिर्फ यस लगता है, ना कि आई ई एस, आई ई एस नहीं लगेगा, y तो रहेगा, y के साथ सिर्फ यस लग जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। एंड नेक्स्ट रूल नंबर नाइन्थ, एड बी ई एस, मतलब बी ई एस आपको आपको कब जोड़ना है, विद द नाउन विच एंड्स विथ एफ और एफ ई बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई। ठीक है, हमको एफ या एफ ई कब जोड़ना है, एफ या एफ ई से क्या करना है, देखिए एफ या एफ ई को हटा करके हमको बी ई एस जोड़ना है। यदि किसी नाउन के अंत में, देखिए यहाँ इस नाउन के अंत में एफ ई आया है, तो एफ ई को हटा करके वाई आई, सॉरी डब्ल्यू आई बी ई एस, यानी कि एफ ई को हटा करके बी ई एस हम लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ काफ है, एफ को हटाकर वी ई एस करते हैं, यानी कि एफ ई को हटा करके वी ई एस या एफ को हटा करके वी ई एस जोड़ते हैं। बाकी रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।